हेलो फ्रेंड, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी एनिवर्सरी का केक को कैसे डेकोरेट की थी वो बताऊंगी। 14 मई को मेरा एनिवर्सरी था और केक मैं बनाई थी और केक को डेकोरेट की थी। केक बनाई थी कस्टर्ड वाला, थोड़ा कस्टर्ड मिलाई थी, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। देखिए, इसको हांडी में बनाई थी और ये ठंडी हो गई थी ना, तो इसको देखिए इस तरह से निकाल के प्लेट में इसको थ्रेड से ही मैं काट ली थी। थ्रेड से मैं बहुत बार आपको काटना बताई हूँ, बहुत अच्छे से वो कट जाती है। जितना मोटा पतला जैसा भी काटना हो थ्रेड का यूज करके मैं देखिए की थी और उसी से हमेशा मैं करती हूँ। देखिए 5 स्लाइस मैं इस तरह से कटिंग की हुई थी। ये देखिए, ये चौथी, ये पांचवी, और इसमें जो लास्ट वाला थोड़ा सा बचा था ना उसको मैं अलग इस्तेमाल करूँगी। ये ट्रोपोलाइट का प्रीमियम वाला मेरा नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम है, आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं, सब बहुत मस्त होती है। और इसको चिल्ड यूज कीजिएगा। मैं देखिए यहाँ पर शीशे के बड़े से बॉल में ले ली हूँ नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम प्रीमियम का, ट्रोपोलाइट का, और इसको स्पून की सहायता से हल्का सा दबा रही हूँ। गर्मी काफ़ी है ना, तो मैं चिल्ड पूरा ली हुई हूँ और इसको बस स्पून से इस तरह से मसल दी। देखिए इस तरह से दबा दी और इसको विस्क करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीटर का यूज कर रही हूँ। इसको क्या है ना, लो स्पीड से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ा देना है, फिर फुल पे कर देना है। इस तरह से करने में मुझे टाइम लगता है, बस 3 से 4 मिनट का टाइम लगा था। बहुत अच्छे से विप हो गई। अगर विप होने में दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो नीचे आइस रख कर फिर विप कीजिएगा तो मेल्ट नहीं होगी। देखिए कितना अच्छा से विप हो गई है मेरी व्हिपिंग क्रीम इस तरह से। देखिए और इसमें मैं क्या नीचे आइस रख कर फिर व्हिपिंग क्रीम को केक में डेकोरेट करूँगी। देखिए शुगर सिरप ली थी, अब बेस यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा व्हिपिंग क्रीम लगा दी और केक का पहला बेस रख दी इस तरह से, हल्का सा प्रेशर दी बीच में और शुगर सिरप को देखिए यहाँ से ब्रश में से ही कोट कर रही हूँ इस तरह से। सब तरफ इसको इस तरह से शुगर सिरप को कोट कर देना है, अच्छे से इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर व्हिपिंग क्रीम को भी सेंटर में डालिएगा और फिर चाकू या स्केल की सहायता इसको बढ़िया से स्प्रेड कर दीजिएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम को डालकर गोल गोल घूम जाएगा, फिर स्प्रेड कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं आपको बता रही हूँ, व्हिपिंग क्रीम जो बना हुआ है उसके नीचे आइस रख कर कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मेल्ट होने लगती है। अभी गर्मी काफ़ी है। और देखिए दूसरा बेस भी मैं इस तरह से रख दी और शुगर सिरप को फिर से कोट कर दी। इसी तरह से हर बेस पे करना है। इससे क्या होता है ना, व्हिपिंग क्रीम बहुत अच्छे से चिपकी रहती है, बहुत बढ़िया से। इस तरह से देखिए मैं इसको स्प्रेड करती जाऊंगी और बेस को लगाती जाऊंगी, व्हिपिंग क्रीम लगाती जाऊंगी। इसी तरह से मैं पांचों बेस में इसी तरह से करूंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइट देना है ना, तो इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम जो मैं थोड़ा ली हूँ ना, आप ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं डबल में, तो हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए तीसरा बेस भी मैं रख दी। अब फिर से शुगर सिरप से देखिए इस तरह से कोट कर रही हूँ, अच्छे से कोट कर दीजिएगा। स्पून से भी मस्त कोटिंग हो जाती है। देखिए जितना मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ ना, इसका डबल आप लेंगी हाइट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं 5 पीस ली हुई हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा कम व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह से। आपकी अपनी इच्छा है, जितना मन करता है उस हिसाब से इसमें व्हिपिंग क्रीम डालती जाइए और हाइट देते जाइए। अपने सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। ये मेरी चौथी वाली बेस देखिए इसमें डल गई इस तरह से, और इसको फिर से शुगर सिरप से मैं कोट कर दी, फिर व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर लगाई और इसको स्प्रेड कर दी इस तरह से। बहुत इजी होता है, घर के सामान से भी बहुत अच्छे से आप इसको चिकना कर सकती हैं, तो स्प्रेड कर सकती हैं। स्केल तो सबके पास होता है, सबके घर पे बच्चे होते हैं छोटे, तो स्केल तो होता ही है, नहीं तो फिर चाकू तो रहता ही है। और देखिए पांचवा बेस इस तरह से लगा दी, इसके ऊपर भी मैं शुगर सिरप लगा के बहुत अच्छे से कोट कर लूँगी इस तरह से। अब इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा दी, देखिए इसमें रख दी और इसको स्प्रेड इस तरह से कर दी
और इसको अच्छे से कर देना है इस तरह से, और जहाँ गैप है ना वहाँ भी बहुत अच्छे से व्हिपिंग क्रीम भर दीजिएगा और इसको इस तरह से चिकना कर दीजिएगा। अगर ये आपके पास नहीं है टूल्स तो आप ना स्केल को लीजिएगा और हल्के हाथ से लंबाई में इसको रख कर और धीरे धीरे इसको इस तरह से घुमाइएगा। अगर ये भी रोलर आपके पास नहीं है तो डब्बे के ऊपर थाली पर रख के इसको केक को बोर्ड को इस तरह हल्के हल्के हाथ से करेंगी ना तो भी हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। देखिए मैं इस तरह से इसको चिकना कर ली हूँ और इसमें मैं तीन कलर का इस्तेमाल करूँगी, वाइट देखिए और हल्का पिंक कलर। जेल कलर का इस्तेमाल की थी इसमें एक बूंद डाली थी, जेल कलर इसमें तीन बूंद डाली थी, डार्क हुआ हो गया था बहुत बढ़िया सा। इस तरह से मैं ले रही हूँ कलर और वाइट वाले को ऊपर रखूँगी और इसी तरह से इसको करके मैं चिकना कर लूँगी, जैसा देख रही हैं ना आप, इसी के ऊपर इसी तरह से मैं पूरा बढ़िया से डालकर इसको चिकना करूँगी। देखिए इस तरह से मैं चिकना कर दी, इस तरह से देखिए हो गई मेरी। अब मैं इसमें ब्रश का इस्तेमाल करूँगी, क्रॉस होता है ना उसी तरह से इसमें आप क्रॉस करते हुए पूरा घूम जाइए। देखिए कलर पेपर है मेरी और जो मेरी केक जो सबसे लास्ट वाला पांच के बाद कटा हुआ था ना उसमें थोड़ा सा इसी व्हिपिंग क्रीम को मिलाकर और बटर मिलाकर इसको मस्त से मसल दी थी और इसमें रोल करके और इसी पेपर में देखे गोल गोल कर दी हूँ, डेकोरेशन में बहुत अच्छी लगेगी इस तरह से। एक गोल्डन कलर भी मैं बनाई थी नारियल तेल और आइसिंग शुगर सब कुछ डाल वाल के इस तरह से इससे ब्रशिंग करूँगी ना नीचे बेस पे, बहुत सुंदर लगता है केक इस तरह से। और इसको भी मैं क्रॉस में ही करूँगी, देखे इस तरह से, इस तरह से आप करेंगे ना थोड़ा सा केक का लुक चेंज हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और देखिए ये रोज़ मैं इस नकली रोज़ है इसका इस्तेमाल करूँगी। मैं दोपहर के समय मार्केट गई थी पर क्या रोज़ का दुकान सब बंद था। अब देखिए केक डेकोरेशन के लिए जो सामान मोती आती है ना छोटी बड़ी मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए कपल क्ले मैं ये लेके आई थी बेकरी की दुकान से इसका भी इस्तेमाल करूँगी। और देखिए नकली वाली फ्लावर मैं लगा रही हूँ, इसमें आप असली भी लगा सकती हैं। और ये छोटी छोटी कलरफुल है, देखिए हल्का कलर है, देखिए वाइट तो हल्का ऑरेंज टाइप का कलर है, क्रीम टाइप का कलर इस तरह से मैं लगा दी। और ये बॉल जो बनाई थी ना पेपर में लपेट के वो भी डाल दी, देखिए इस तरह से अच्छी लग रही है ना। आइए ना मेरी चोको बाइट्स आती है ना वो है पिंक कलर की, इसका भी इस्तेमाल करूँगी देखिए इस तरह से। इस तरह से घर के सामानों को थोड़ा थोड़ा यूज कर लेने से अच्छा रहता है। देखिए मोतियाँ भी मैं दिखाई थी ना डेकोरेशन के लिए, इसको इस तरह से लगा दी, माला की तरह ही बना दूंगी, पांच मोती लगाई। फिर ये हल्की ऑरेंज टाइप की कलर है इस तरह से मैं देखिए डाल दी और कपल जो लेके आई थी इसको इस जगह पर लगा दी। अब मेरी क्या ना 19 एनिवर्सरी थी इस बार तो मैं 19 का देखिए ये लगा दी हूँ, चॉकलेट वाइट चॉकलेट कंपाउंड होता है ना उसी को मेल्ट करके। और ये देखिए सबको इस तरह से डेकोरेट की थी केक को। अगर आपको मेरे केक डेकोरेशन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।